जय सियाराम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के यूट्यूब चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि किसी भी मंत्र का या राम नाम के जाप का अगर हम लंबे समय तक मानसिक जाप करते हैं तो इससे हमारे साथ क्या घटित होता है और मानसिक जाप का क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जाप चार प्रकार का होता है। एक वाचिक जाप होता है जो कि बोलकर किया जाता है। एक मानसिक जाप होता है जो कि मन ही मन चलाया जाता है। और एक उपांशु जाप होता है। उपांशु जाप होता है जो कि जिसमें हल्की हल्की हमारी जिह्वा हिलती है। और एक अजपा जाप होता है जो जाप स्वतः ही चलने लगता है, उसे अजपा जाप कहते हैं। यह स्थिति जिसकी आ जाती है उसे अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हो जाती है। मानसिक जाप करना अपने आप में ही फायदेमंद होता है और जो साधना करते हैं उनके लिए तो जितना ज्यादा वो चुप रहें, जितना ज्यादा मौन रहें उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनके शरीर की जो ऊर्जा होती है वह उनके शरीर में बनती है। मंत्र की ऊर्जा होती है उनके शरीर में ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है, तो वो जो ऊर्जा है वो आपको चक्रों को बहुत शीघ्र जागृत कर देती है। अगर आप मानसिक जाप करते हैं और आप गलत गलत नेगेटिव थॉटों से परेशान रहते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, गंदी गंदी सोचें आती हैं, गंदे सपने दिखाई देते हैं, तो जो आपका मानसिक जाप होता है वह चलता है तो ये सारी बातें अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन मानसिक जाप चलना इतना आसान भी नहीं है। मानसिक जाप तब चलता है जब आपका वाचिक जाप अच्छा हो, फिर उसके बाद उपांशु जाप का अच्छा अभ्यास किया हो, फिर अपने आप ही मानसिक जाप चलता है। मानसिक जाप में आपकी जिह्वा नहीं हिलती है, मन ही मन में आपका जाप होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि मन की जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी बुरे विचार भरे हुए होते हैं, नकारात्मकता होती है, वो सब नकारात्मकता मानसिक जाप के द्वारा दूर हो जाती है। मानसिक जाप में आप श्री राम, जय राम, जय जय राम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप जिनको मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन मानसिक जाप में भी यह सावधानी रखनी चाहिए कि मानसिक जाप में कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं जैसे गलत जगह पर भी उनका जाप किया जा सकता है, लेकिन गुरु मंत्र है और आपका कोई जैसे अनुष्ठान पूर्वक जाप किया जाता है, ऐसा कोई मंत्र है, वैदिक मंत्र है, उसका गलत जगहों पर जाप नहीं किया जा सकता। उस समय मानसिक जाप को बंद करना होता है, जैसे लैट्रिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, या फिर कोई गंदी जगह होती है वहां पर मानसिक जाप नहीं करना है। मानसिक जाप से आपकी मन की जो शक्ति है वो प्रबल बन जाती है, यानी कि मन की शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर सकारात्मकता आती है और आपको एक अलग ही विचार शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपके अंदर की जो आवाज होती है, भगवान जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, जो आपको हर वक्त प्रेरित कर रहे हैं, उस आवाज को, उस शब्द को आप सुनने लग जाते हैं। जिस मंत्र की जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा आपके अंदर संचारित हो रही है ध्वनि के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, अगर मानसिक जाप आप करते हैं पूरी तल्लीनता के साथ, तो वह ध्वनि के द्वारा आपको मंत्र सुनाई देने लग जाता है, मंत्र दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसी अवस्था जब साधक की आ जाती है तो मंत्र की जो ऊर्जा है वह कई कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये अवस्था आने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन देखो, बहुत से साधक गलती क्या करते हैं कि वो सीधा सीधा मानसिक जाप करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले आप उपांशु जाप का अभ्यास कीजिए, नहीं पहले आप वाचिक जाप का अभ्यास कीजिए, यानी कि बोल बोल के जाप कीजिए, फिर आप उपांशु जाप का अभ्यास कीजिए, फिर धीरे धीरे आपका मानसिक में प्रवेश हो जाएगा। तो ये स्थितियां होती हैं। और भी जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, गलत विचार है, कोई कार्य नहीं बन रहा है, किसी चीज से परेशान है, तो उन सारी चीजों के जवाब आपको अपने अंदर से मानसिक जाप के द्वारा मिलने लग जाते हैं। जाप की कई गुना ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, ऊर्जा शक्ति इतनी प्रबल आपकी हो जाती है कि आपके नेत्रों से आपके मंत्र की ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। यानी कि बाहर निकलने का मतलब यह है कि अगर आपके कोई सामने आता है तो आपके मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव उस पर पड़ेगा, वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, आपकी बातों में निखारता आएगी, आपकी बातों में गहराई आएगी, जो भी आपकी बातों को सुनेगा वो आपकी बातों को सुनने के लिए लालाहित हो जाएगा। और धीरे धीरे मानसिक जाप जब आपका बढ़ेगा तो आपकी जो वाणी है वह सिद्ध हो जाएगी, यानी सिद्ध का मतलब आप किसी के लिए कोई शब्द कह देते हैं, वह शब्द फलीभूत हो जाता है, वह कार्य हो जाता है और राम जी की कृपा हो जाती है।
जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान के आश्रित हैं और उनके लिए सब कुछ भगवान ही है, तो उनके लिए चाहे वो मानसिक जाप करें, चाहे वो पांसु जाप करें, चाहे उनका जपा जाप चलने लग गया हो, तो उनके लिए तो सब ही मंगलमय होता है। तो ये कुछ फायदे होते हैं मानसिक जाप करने के, जो हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।